तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को स्टोनो मास्टरमाइंड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांवों में रहती है, जिनकी आय कम होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों और गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन भारत की विकास योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ग्रामीण विकास का व्यापक दायरा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्रामीणों के जीवन स्तर का सर्वांगीण विकास शामिल है। इसका अर्थ निर्धनतम लोगों की अपने स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में उत्पादन क्षमता की वृद्धि है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पूंजी का निवेश एवं उसका विस्तार उत्पादक शक्तियों का विकास तथा निर्धन एवं बेरोजगार ग्रामीणों का अर्थव्यवस्था के उत्पादक विकासशील क्षेत्रों में सम्मिलित होना आवश्यक है। मंत्रालय की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य गरीबी पर सीधा प्रहार है, जिसके अंतर्गत विशेष मजदूरी रोजगार व स्वरोजगार कार्यक्रम, भूमि सुधार, बंजर भूमि विकास एवं जल संभरण विकास कार्यक्रम है। इनमें स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ग्रामीण स्वच्छता, कृषि विपणन, ग्रामीण आवास है तथा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा सहायता और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं कृषि विपणन केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों का महत्व इसकी योजनाओं के आवंटन में वृद्धि को बताता है, जहां 9वीं योजना में इसका परिव्यय 40,000 करोड़ रुपये तथा उसे बढ़ाकर 10वीं योजना में 80,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसे बढ़े हुए परिव्यय के साथ साथ, जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण संविधान अधिनियम 1992 में बताया गया है, लोगों की कार्यक्रमों में बेहतर भागीदारी प्राप्त होगी, जिससे निर्धन ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास को नई दिशा प्राप्त होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय प्रयास में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों को दी गई नई दिशा की एक झलक इस पुस्तिका में प्रस्तुत है। ग्रामीण गरीबी की समस्या, कम ग्रामीण उत्पादकता और अल्प रोजगार व बेरोजगारी से जुड़ी है। यद्यपि विकास की सामान्य प्रक्रिया के अधीन ही उत्पादक रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाते हैं, फिर भी ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा आय के कुछ न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु विशेष रोजगार कार्यक्रमों की सतत आधार पर जरूरत है। उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाएं चलाई गई थी। 7वीं योजना के आखिरी वर्ष में 1 अप्रैल 1989 से उस समय विद्यमान जो रोजगार कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को
जवाहर रोजगार योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में मिला दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त फायदेमंद रोजगार का सृजन करना है। ग्रामीण आर्थिक आधार ढांचे को सुदृढ़ बनाकर सतत आधार पर रोजगार के अवसर सृजित करना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को डिक्टेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें।